भैया इतना दर्द भरा गाना कहाँ सुन रहे हो? अच्छा आराम करना चाहिए। ये बात ही आपका पॉइंट चेंज मिला भाई। गुलाब खास आम जो है पॉकेट में उठाए हैं खाने के लिए अंकल, और ये रावण को आप देख सकते हैं कैसे निपटाने में लगा हुआ। बैठ गया गर्मी के कारण। हाँ चलो भाई, कम से कम 30 रुपए का रिसेप्शन आया। आम तो आप लोग भरपूर खाते हैं, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। बम्बई खाइए, जरदालू खाइए, गुलाब खास खाइए, खिस्सा पात खाइए, बीजू खाइए, जो भी आम दूसरे गाछी का टेस्ट नहीं मिलेगा। राधे राधे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं मॉल जाने वाले हैं, आज हम लोग शॉपिंग करेंगे वृंदावन जाके आम का शॉपिंग, और हम लोग आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ आम से रूबरू आज कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम बगीचा में गार्डन में। तुम्हारे घर में बेचारी बकरी भाग गई, देख लो। तो भाई जान इस मोटे से बच्चे को तो पूरा ध्यान से दिखे, लगता है इसको दीवार में कोई चिपका के यहाँ से भाग गया है। अच्छा क्या लगता है इसको क्यों घेरा गया होगा? आम की चोरी हो। सही बात है। अच्छा अगर बात है, अगर आम चोरी रोकने की, इधर का नहीं घेरा होगा? पहले के टाइम पैसा था भैया कि नेट वेट तो होता नहीं था, थोड़ी सी आज़ादी हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इस इधर नहीं है, मतलब नेट जो है इधर लगा हुआ नहीं है, लेकिन इधर अगर आप लोग देखिए तो पूरा नेट लगा हुआ है। क्या रीजन हो सकता है आई थिंक समझ में नहीं रहा, क्योंकि आम इधर भी है इधर भी है। एक बार एक अंकल जी हैं तो हम थोड़ा सा अंकल जी से जाके पूछते हैं कि नेट इधर क्यों लगा हुआ है और इधर क्यों नहीं लगा। अब चलिए 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 आम फटे नहीं। तो पता चल गया कि अगर आम गिरेगा तो फटेगा नहीं, नहीं फटेगा तो वो टाइम तो आ गया। गुलाब खास है। अच्छा खास है, इसीलिए गुलाब खास है। ये 150 रुपया महंगा बिकता है। एक आम 4 को उठा लेगा 75 रुपया चली है। इसी ख्याल से इसका, और इसमें जो है खोती लगाएगा नहीं, सारे आम जो है टूट के गिरेगा नीचे। तो भैया आप चलते हैं उस मेन जगह पे जहाँ पे इस पूरे गार्डन का आम को जो है स्टोर किया जाता है। तो गाइज हम लोग फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे पूरे इस गार्डन का आम को जो है स्टोर किया जाता है। तो कुछ मोल भाव करते हैं, चलिए और देखते हैं आम कुछ सस्ता। वाह, यहाँ पे स्कैनर, मतलब यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी आम ले सकते हैं। कैसे कैसे आम, जरदालू आम कैसे भैया? अच्छा ये साबुत किलो घास का पक्का बम्बे है 70 रुपये। अच्छा ये मतलब पूरा सेफ है, फटा उटा नहीं है? गुलाब खास का रेट बहुत महंगा सुन रहे हैं, कैसे है गुलाब खास? 130 भाई,
भाई ध्यान से देखो इस आम को, इसके नाम में ही खास लगा हुआ है, इसका दाम भी है सबसे हट के, और सबसे महंगा आम यही है क्या यहाँ पे? कौन सा आम ने है? और जर्दालू का दूसरा रेट क्या बोले थे? 70। क्या किलो आम लिया तुमने? 3 किलो। मात्र 3 किलो। तो मित्रों इस आम को ध्यान से देखिए, देखने में जितना खूबसूरत है उसी हिसाब से इसका नाम भी रखा गया। भाई इसका नाम बताओ क्या है? गुलाब खास। गुलाब खास। और सबसे ज्यादा रेट पहले जिसका आप नाक देखिए इसका रेट भी यहाँ पे हाईएस्ट पेड आम है यहाँ का। कितना रेट है? 130 रुपए किलो। इसको भी ध्यान से देखिए, सबसे बेटर टेस्ट हमको इस आम का लगता है। इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? जर्दालू। जर्दालू या जर्दालू? जर्दालू, जर्दा आलू। लू, आलू। और इसका रेट फिलहाल चल रहा है 70 रुपए केजी। हम लोग भी लिए हैं, ज्यादा अमीर तो है नहीं, तो 2-4 किलो लिए हैं। अब मुंबई, चलिए मुंबई को भी हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं हम लोगों को। इधर है मुंबई, इधर इसका भी लुक। भैया मुंबई है कि बम्बई है, क्या बोलते हैं इसको? क्या? बम्बई। बम्बई। लो भाई ये हमारे भारत के एक बहुत ही खास शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया, क्यों रखा गया पता नहीं है। थोड़ा सा इसको दिखा रहे हैं, इसका यूनिक आम है 3 in 1। मतलब चलो भैया हम लोग अभी एंटर किए हैं गुलाब खास के बागीचे में, जहाँ पे एक भैया यहाँ पे खड़े हैं। भैया इतना दर्द भरा गाना काहे सुन रहे हो? भैया हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्पेंसर में अभी हैं। हमारे अंकल जी इधर बैठे हुए हैं मस्त हवा में। आप बेच रहे हैं क्या? अच्छा आराम करना चाहिए। ये बात ही आपका पॉइंट चेंज मैडम। अब सबसे महंगा आम तो वृंदावन में यही है ना? अच्छा इसका रेट घटेगा कि नहीं? मतलब 130 रहेगा? घटेगा, जो रेट होगी आप फिक्स रेट। अच्छा मिनिमम 130 है? 130। अरे वहाँ पे 130 बोला। छोटा आम खाइए या पीटू खाइए, कोई भी आम खाइए, हर आम से इसमें टेस्ट ही अलग होता है। ये बात तो है बिरदा, हम लोग भी बख्तियार बगले के हैं तो हर साल खाते हैं। फर्क और कोई फर्क नहीं, आम जो खसूती वो आम है, वही खसूती ये आम है। बम्बई खाइए, जर्दालू खाइए, गुलाब खास खाइए, खिस्सा पात खाइए, बीजू खाइए, जो भी आम खाना है यही आम आपको दूसरे गाछी का। भैया देखो हम लोग तो नॉर्मली आम को ऐसे निपटा देते हैं, लेकिन इस आम के पीछे भी बहुत बड़ा कहानी होता है। अरे आम ले लो, आम ले लो, आधे चटनी सारे आम ले लो। कैसे बा हो लगे आके खुले आम ले लो। कितना बजे से काम स्टार्ट किए थे भैया? सैलरी मत पूछो, वैसे मैं भैया को किडनैप कर लेगा। ये बच गए। पूरा दिन काम करते हैं क्या? क्या यहाँ से बख्तियारपुर के हैं कि बाहर से आए हैं? बख्तियारपुर में किधर से? अच्छा इधर है। कितना पैसा मिलता है पर डे का? ठीक ठाक है, रावण की तरह आम खा रहा है। मारो ना दांत, मारो। सकल का एक्सप्रेशन एकदम रावण जैसा हो जाता है। भाई यहाँ पे एक ऑफर मिला है, ऑफर ये है कि आप यहाँ पे आइए, जितना आम लेना है लीजिए, और मतलब एक लिमिट तक आप जो आम खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब राक्षस की तरह आप 4-5 किलो निपटा दिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं आम खरीदते हैं तो आपको जो है एक लिमिटेड अमाउंट तक जो है आप फ्री में आम खा सकते हैं। तो हम लोग जो है ये गुलाब खास आम जो है पॉकेट में उठाए हैं खाने के लिए अंकल जी से, अंकल जी की परमिशन के साथ। और ये रावण को आप देख सकते हैं कैसे निपटाने में लगा हुआ है। Thank you.
निकल चुके हैं, पूरा भ्रमण किए हैं, आम जितना भी था खरीद लिए हैं और हम लोग अभी अब खड़के और प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ मेरा भाई जान है, भाई जान। हेलो हेलो भाई जान।